शाह लाहौर में जहांगीर तरीन की जानिब से दिए गए इशाइये में शरीक फैसल हयात जवाना की JNN से खुसूसी गुफ्तगू, कहते हैं कि अगर उनके साथ ज्यादती हुई तो यकीनन हमारा फैसला जहांगीर तरीन होंगे। मजीद उनका क्या कहना था, ब्यूरो चीफ लाहौर शहजाद हुसैन बट ने उनसे गुफ्तगू की है, आइए आपको दिखाते हैं। इस वक्त हमारे साथ फैसल हयात जवाना मौजूद हैं और वो अभी जहांगीर तरीन के इशाइये से बाहर निकले हैं। हम जानते हैं फैसल हयात जवाना से कि जहांगीर तरीन के इशाइये में क्या गुफ्तगू हुई है। तमाम पार्लियामेंटेरियंस ने इस बात पर इत्तफाक किया कि हम सबको मिलकर विद इन पार्टी जो है ये एफर्ट करनी चाहिए कि जहांगीर तरीन साहब के साथ जो ज्यादती हो रही है उसके लिए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को मिलें और कोशिश करें कि जो इनका मौकिफ़ है, जो इनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो दिया जाए ताकि जो जहांगीर तरीन के साथ इंसाफ हो ना कि ज्यादती। हमारा जो है पार्टी के अंदर कुछ इश्यूज हैं, कुछ पार्टीज़ के अंदर, हर पार्टी में मैं समझता हूं कि कुछ ऐसी लॉबीज़ होती हैं जिनका आपस में इख्तलाफात होते हैं। मैं चाहता हूं या हम पार्लियामेंटेरियंस जो आज जहांगीर तरीन साहब के इशाइया में शामिल हो, हम सब चाहते हैं कि वज़ीर आज़म साहब उनको खुद एड्रेस करें और जो इनके आपस के तहफ़ात हैं उनको दूर करें। सुबह तारीख पर जहांगीर तरीन के साथ तमाम अरकान सूबाई असम्बली जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि जितने लोग इशाइये में शामिल हुए हैं उससे कुछ ज़्यादा लोग जो हैं वो कल उनके साथ उनकी तारीख पे जाएंगे। पार्टी के अंदर से ही जहांगीर तरीन पर वार किया जा रहा है, आखिर वो कौन अशखास हैं और किस सूबे से तल्लक रखते हैं? देखिए मैं समझता हूं कि ये बात वक्त से पहले करना मुनासिब नहीं है। पार्टी के अंदर कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को एड्रेस करना चाहिए।